नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रॉम केटीसी आज जो प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं वो है कोक्यू एनर्जाइजर अब ये प्रोडक्ट मेरे बहुत पर्सनली दिल के बहुत करीब है वो इसलिए कि दिस वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो सबसे पहले जो 11 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए थे इन द 2010 और 11 में सारे लोगों को इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था तो ये उस 11 की टीम का एक अहम हिस्सा था और वो प्रोडक्ट आज भी इतने सारे हमारे पास प्रोडक्ट आने के बावजूद कोक्यू एनर्जाइज़र की अपनी एक जगह है और बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है और आप लोग इसको एक एनर्जी के साथ में हमेशा बेचते हो है ही सेलुलर एनर्जाइज़र तो वो बेचते भी हो और उसमें इंटरेस्ट भी लेते हो बट कुछ एक चीज़ें कुछ कुछ नई नई चीज़ें कुछ सामने आई हैं कुछ चीज़ें मालूम हुई है तो इस माध्यम से आ, मैंने सोचा कि ये आपको नई नई चीजें थोड़ी बता दूं तो आज कोक्यू एनर्जाइजर लेंगे अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ यू सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू के टी सी कोक्यू एनर्जाइजर सेल्यूलर बायो एनर्जाइजर दो वर्ड्स हैं सेल्यूलर यानी सेल बायो एनर्जाइजर एनर्जी सो सेल और एनर्जी दोनों का एक मिलाप बनके यानी जो हमको सेल को जो एनर्जी चाहिए एनर्जी हमारी पूरी शरीर को चाहिए वो कहाँ से आती है तो कोक्यू की वजह से आती है और कोक्यू एनर्जाइजर ये सिर्फ एक कोक्यू टेन प्रोडक्ट नहीं है ये कुछ और है कुछ इन ट्रू सेंस इट गिव्स यू एनर्जी देखते हैं कि क्या होता है सबसे पहले एज यूजल आई विल से कॉपी राइट दो सेमी डायरेक्ट सो डोंट वायोलेट दैट आई एम हैप्पी कि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट वायोलेटिंग इट सारे चल रहे बराबर वीडियो लाइब्रेरी है जिसको दिखाना है प्रोडक्ट दिखा सकते हो कोई उसमें इशू ही नहीं है तो अपना को क्यू एनर्जाइजर शुरू करते हैं अभी को एंजाइम क्यू टेन ये इसकी जो सबसे पहले जानकारी हुई और आविष्कार हुआ वो था उन्नीस सौ सत्तानवे उन्नीस सौ दैट इज सबसे पहले इस न्यूट्रिएंट uh, के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी मिली और तब से अभी तक इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट पूरी तरह से कोक्यू टेन पे ही अपना रिसर्च करते करते उनकी जिंदगी गुजर गई जैसे मैंने कुछ नाम यहां दिए जैसे डॉक्टर फॉकर्स है जिन्होंने इसको कहा हाँ तो मैं जैसे अपने को दूरदर्शन पे या टीवी पे बोलते हैं ना रुकावट के लिए खेद है तो ये रुकावट के लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी चाहे जितनी डिजिटल दुनिया आगे बढ़ जाए जो टेक्निकल डिफ़िकल्टी हमारी कभी कभी पीछा नहीं छोड़ती है एनी वे सो वी आर बैक टू द बैक टू द सब्जेक्ट तो मैं ये कह रहा था जब हम वी वेर ऑफ एयर फॉर सम टाइम कि कोंजाइम क्यूटन पे इतना सारा रिसर्च किया गया है इतने सारे साइंटिस्टों ने कुछ कुछ ने तो अपनी पूरी जिंदगी इस को कोजाइम क्यूटन को आ, इसके बारे में नई नई चीज़ें खोजने के लिए निकाल दी उसमें से ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट नाम्स हैं डॉक्टर फॉकर्स जिन्होंने इसको कहा इसेंशियल बायो न्यूट्रियट यानी इसके सिवा जिंदगी चल नहीं सकती दूसरा है एम एल ब्लजनकॉव जो बल्गेरिया के हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है बहुत शानदार बुक है मैंने पढ़ी है अवेलेबल है ऑनलाइन पर आप इसको खरीद सकते हो एक टीम आठ दस लोगों की टीम ने मिल के ख़रीद लेना चाहिए हज़ार डेढ़ हज़ार रुपये की बुक है और उसमें आपस में इसमें पढ़ोगे तो मैं इसलिए पढ़ने को कह रहा हूँ कि इसमें साइंस मत पढ़िए उसमें उन्होंने सारे उनके जो तजुर्बे हैं इस प्रोडक्ट को लेके जो उन्होंने उनकी प्रैक्टिस में जब उन्होंने इसको देखा तो ही वॉज़ रियली मेस्मराइज कि क्या मेराक्यूलस रिज़ल्ट आते हैं जबकि कुछ उसमें डायग्नोसिस की कोई आ, कमी नहीं होती सारा देख लिया कुछ प्रॉब्लम नहीं है शरीर में लेकिन द पेशेंट इज डाइंग एट द टाइम आल्सो ही हैज़ गिवन दिस न्यूट्रिएंट एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज कॉल्ड इज अ अराकल न्यूट्रिएंट बुक है आप पढ़ सकते हैं उसको देन डॉक्टर पीटर मिचल जिन जिन्होंने इसको कहा वंडर न्यूट्रियट इनको नाइनटीन 19, नाइनटीन uh, में इनको नोबल प्राइज मिला था बिकॉज इन्होंने ए सिंथेसिस यानी ए यानी एनर्जी तो उस सिंथेसिस पे ही इनको बायोकेमिस्ट है वो उनको ये मिला था नोबल प्राइज़ तो कोक्यूटेन से संबंधित काफ़ी सारी जानकारी उन्होंने भी दी है कोक्यूटेन इसेंशियल बायो न्यूट्रियट कहिए मिराकल न्यूट्रिएंट कहिए या वंडर न्यूट्रिएंट कहिए इट इट हैज़ गॉट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी क्योंकि ये हमारा शरीर भी इसको बनाता है ऊपर वाले ने ऐसी अरेंजमेंट की है कि हमको ये हमारे कुछ फूड से भी मिलता है वो दिखाऊंगा आगे बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज़ बॉडी ऑल्सो मेक्स इट बिकॉज वो इतना इसेंशियल है और वो इसलिए इसेंशियल है कि ए टी पी को प्रोड्यूस करना बहुत आवश्यक है उसके सिवा आप जिंदा नहीं रह सकते ए टी पी इज नथिंग बट विल सी वॉट इज ए टी पी फुल फॉर्म है एडिनोसिन तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये जब बनेगा और आपका जब उससे एनर्जी एक सेल को मिलेगी तभी आपका शरीर काम करेगा तो ये एटीपी के प्रोडक्शन प्रोडुक्ष, प्रोडुक्ष, में को एंजाइम क्यूटेन का बहुत बड़ा हाथ है अगर को क्यूटेन ना हो अगर उस सेल में कोक्यूटेन ही ना हो तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी आदमी जिंदा भी नहीं रह सकता दूसरा इसका यूज है एंटीऑक्सीडेंट रोल ये सबसे ज्यादा एंटी रोल वहां के सेल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे आपका हार्ट और हार्ट की हार्ट को तो कितनी एनर्जी लगती है इट हैज टू पंप द ब्लड एवरी नाउ एंड देन 24/7, जब तक आप जिंदा है तब तक हार्ट आपका जब तक पंप कर रहा है तब तक आप जिंदा है द अदर वेराउंड और इसकी अगर फ्री रेडिकल से इसको इफेक्ट हो जाए तो हार्ट विल नॉट फंक्शन नॉर्मली तो वहां उसका बहुत बड़ा रोल होता है और तीसरा है एंडोथेलियल फंक्शंस अब एंडोथेलियल क्या है इनर लाइनिंग है आपकी जो आर्टरीज है जिसमें से खून बहता है उसकी इनर लाइनिंग है ये इनर लाइनिंग की हेल्थ बना के बना के रखने में कोक्यूटेन का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स भी अंदर आते हैं वो सारी चीज़ें एंडोथेलियल फंक्शन के एंडोथेलियल लेयर के हेल्थ पे डिपेंड करती है और अगर वहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए जैसे कोई हमने एक बार कभी दूसरे प्रोडक्ट के कनेक्शन में हमने बात की थी कि जहां ब्लॉकेज तैयार हो जाता है आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और बाकी सारी चीजें तो जब एथोरोस्लेरोसिस बनना शुरू हो जाता है उसका मतलब है एंडोथेलियल फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है एंडोथेलियल लेयर की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप इससे समझ गए होंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट इज कोक टू ऑल्सो मेंटेन एंडोथेलियल फंक्शन अभी एवरी सेल इन योर बॉडी अभी मैंने आपको पहले भी कहा है कि 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी में 50 टू 70 ट्रिलियन सेल्स और हर एक सेल को चाहिए एनर्जी और उसको कहते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन वहां तक पहुंच जाता है और बाकी बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहती है तब सबसे इंपॉर्टेंट होता है द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कीप्स एवरीथिंग गोइंग जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको बोलते ए टीपी जिसके बारे में मैंने पिछले स्लाइड में कहा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट और यह है वो बायो बायोकेमिकल वे जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर होती है या एनर्जी यूज होती है तो कोक्यूटेन अपने कोक्यू एनर्जाइजर में हेल्प्स टू हेल्प्स द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन यानी अगर कोक्यूटेन नहीं है तो ए नहीं बनेगा ए नहीं बनेगी एनर्जी नहीं बनेगी एनर्जी नहीं बनेगी तो लाइफ कहाँ से रहेगा सो दैट इज हाउ इट इज़ सो इंपॉर्टेंट कि को इन्साइम क्यू टेन ये जो इम्पोर्टेंट है जिसके जिसका दूसरा नाम भी है यूबी क्विनोन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सेल इन अवर बॉडी दैट इज वाई कोक्यूटेन वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट वी नो ऑल दैट आप लोगों ने भी इसका बहुत सारा अभी तक पढ़ा है दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने इस पहले कहाँ भी था कि नई चीजें कुछ बताएंगे वो आगे जाके बताएंगे सबसे पहले देख लेते कि हमारे फूड्स में भी ये कोक्यूटेन हमको मिलता है क्या तो कोक्यूटेन हमको नेचुरली मिलता भी है फूड से थोड़ी कम मात्रा में कुछ ज़्यादा मात्रा में वहीं से मिलता है जैसे हार्ट लीवर और किडनी जो कि हम मटन मांस मच्छी जो जिसमें से आपको हार्ट लीवर एंड किडनी ये स्पेसिफिकली हम खाएं उसमें से आपको कोक्यूटन मिलता है ऑल्सो सोया ऑयल में होता है सार्डिन्स में होता है और पीनट्स में भी होता है तो वहां से भी मिलता है बट इतना ज्यादा नहीं मिलता जितना आपको सप्लीमेंटेशन देता है और सप्लीमेंटेशन मतलब कोक्यू एनर्जाइजर जितना देगा अब वो सबसे ज्यादा हमारे शरीर को उसकी यूटिलिटी कब होनी चाहिए क्या होनी चाहिए ये आगे के स्लाइड में देखेंगे एक अभी तक तो पक्का है कि इट्स अ एसेंशियल बायोन्यूट्रिय विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दैल्युलर फंक्शन इन बॉडी तो सेल देखते हैं क्या है सेल अगर आपका एक एक सेल आपके ट्रिलियंस ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में से एक सेल निकाला और उसको अगर ओपन किया तो कैसे दिखेगा समाउ समथिंग लाइक दिस ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और इसमें आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने रेड सर्कल उसको अभी किया ये माइटोकॉन्ड्रिया है जहां पर ए टी पी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया मीन माइटोकॉन्ड्रियम एक सिंगल वर्ल्ड यानी सिंगल माइटोकॉन्ड्रियम लूरल माइटोकॉन्ड्रिया सो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कोक्यूटेन की वजह से और कोक्यूटेन भी यही बनता है यही रहता है इसकी वजह से ही हमको एनर्जी मिलती है सो व्हाट इज दैट माइटोकॉन्ड्रिया इट लुक्स समथिंग लाइक दिस दिस इज व्हाट द माइट्रोकॉन्ड्रिया इज बीच में कुछ डी एन ए स्टैंड ऑल विल सी और यहां पे ए सिंथेसिस होता है तो माइट्रोकॉन्ड्रियल हेल्थ एंड इज वाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इंसिडेंटली द पावर हाउस ऑफ द बॉडी इट सेल्फ नाउ लेट्स सी हाउ कोक्यू टेन इज मेड बाई द बॉडी ये पहले मैंने कभी कोई uh, कहीं एजुकेशन सेमिनार में बोला होगा uh, लेकिन ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं बोला है टूडे वी विल सी हाउ इट इज मेड नाउ एसिडिल कोजाइम ए दिस इज एन एंजाइम को एनजाइम है ये भी यहाँ से बनता है हमको एच एम जी सी ओ ए ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जस्ट यू शुड नो व हाउ इट वर्क मेवेलोनेट ये एक इन्ग्रेडियंट है फिर उसके बाद में हाइसोन पीपी फिर फारनेसिल पीपी -पी, देन यू गेट एंड यू गेट कोक्यूटेन हियर देन इट इज एंड कोलेस्ट्रॉल फॉर्मड तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी बनाती है तो कोलेस्ट्रॉल जब बनने की जो प्रोसेस है एसिटिल को लेके तो कोलेस्ट्रॉल के एंड प्रोडक्ट तक उसमें से एक प्रोडक्ट है आपको कोक्यूटेन दिस इज वॉट कोक्यू टेन इज मेड दिस इज हाउ कोक्यू टेन इज मेड बाय द बॉडी अभी ये फिगर एकदम ध्यान में रखिए दोबारा मैं बताऊंगा जब इसका क्या यूटिलिटी है यह क्यों मैं आपको स्केच दिखा रहा हूं यू विल नो इट वेन आई शो इट टू यू वाई कोक्यू टेन इज इम्पॉर्टेंट एंड वॉट द स्टैटिंग डू एंड दैट इज वाई कोक्यू टेन इज वेरी इंपॉर्टेंट वो आप आने वाली स्लाइड्स में बताएंगे यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज हाउ कोक्यू टेन इज मेड बाय द बॉडी इन द ड्यूरिंग द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इट्स अ बाई प्रोडक्ट दैट्स यू गेट में क्या क्या है हमारे आप जानते हो अच्छी तरह से को एम क्यू टेन विच सपोर्ट्स द वाइटलिटी एंड एनर्जी लेवल विच ऑल्सो सपोर्ट्स द हेल्दी एजिंग हेल्दी एजिंग एंड लॉन्जिविटी विटामिन ई एड किया है विच इज एन विच इज अ वेरी पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट

पेशेंट्स डायग्नोज विद डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड मेटाबोलिक सिंड्रोम ये आपके लिए नई बात है ये जो नई चीज मैं बता रहा हूं कई सारी चीजों में कोक्यू एनर्जाइजर आप एनर्जी के तौर पे सारों को जनरली आप रेकमेंड करते हो कि यू नीड एन एनर्जी एंड यू यू डोंट है ये है वो है कोक्यू खाइए दैट इज हाउ यू प्रमोट द प्रोडक्ट कि एनर्जी देता है लेकिन आप अभी इसका दायरा बढ़ते हुए देखोगे मेटाबॉलिक ब्लड प्रेशर है ये सारा जो क्लस्टर है कि मेटाबोलिक सिंह so, एक हो गया तो दूसरा होता है दूसरा हुआ तो तीसरा होता है सो समबड़ी हैजू टैकल द डॉक्टर्स है सिड्रोम इन मेटाबोलिक सिंड्रोम में रिसर्च साइंटिस्ट कहते हैं कि कई सारी केसेस है कई सारी क्लिनिकल ट्रायल्स है जिसमें हमने देखा कि जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में स्पेसिफिकली डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस की केसेस में जब कोक्यू एनर्जाइजर दिया गया यानी कोक्यू टेन दिया गया उनकी क्लिनिकल ट्रायल में तो कोक्यू टेन लिखेंगे तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है द डायबिटीज़ उसको उसका जो ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहा उसमें और इंसुलिन रेजिस्टेंस में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है मैंने ग्लाइका केयर में आपको बताया था कि इंसुलिन तो बहुत है लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है ब्लड शुगर बड़ी की बढ़ी रहती है तो बॉडी इज रेजिस्टिंग टू इंसुलिन एंड इंसुलिन इज सफिशेंटली देयर तो वो केस में भी यानी इंसुलिन की यूटिलाइजेशन को क्यू एनर्जाइजर की वजह से होती है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो आप लोग पूछते रहते मेरे को किसको क्या देना चाहिए तो एक आपको ये इसमें आइडिया मिल गई कि किसको रिकमेंड आप कर सकते हो कि कोक्यू एनर्जाइजर माइट हेल्प दोज पेशेंट्स हु आर ऑलरेडी सफरिंग विद सम मेटाबोलिक सिंड्रोम और सम काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर दूसरा कोक्यूटेन नेसेसरी सारे बोलते हैं फॉर सेल्यूलर प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंट एज एन एंटी प्रोटेक्शन पर्टिकुलरली सेल का माइट्रोकॉन्ट्रिया इन द सेल्स एंड आल्सो ऑल द प्रोटीन इंक्लूडिंग द एंजाइम्स एंड लिपो एंड आल्सो योर क्रोमोजोम तो इस सब चीज के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर कोक्यूटेन का बहुत पावरफुल एक्शन होता है एंड दैट इज वाई कोक्यू एनर्जाइजर कि इतनी अहमियत है स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द एडल्ट आर टेकिंग सम स्टैटिन मेडिकेशन अभी स्टैटिन क्या है देन देन अटोरवास्टैटिन आर सो मेनी स्टैटिन यह स्टैटिन स्पेसिफिकली होते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में स्टेटिन ये एक ड्रग ग्रुप का नाम है जैसे को स्पेसिफिकली सारे, सारे, सारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज करते हैं उनको एक नाम दिया है ग्रुप, ग्रुप अब ये statins, जब कोई भी पेशेंट लेता है यानी जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल किसका बढ़ने के बाद उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं किडनी रिलेटेड भी हो सकते हैं बिकॉज नाउ किडनी

और इसमें कोक्यूटेन हो गया और आपका कोलेस्ट्रॉल बन गया अभी जब मैं उसको स्टैटिस देता हूं दोबारा देखिए यहां पे तो स्टैटिस काम करते हैं यहां पे यानी से मेवेलोनेट ये जो कन्वर्शन है इस कन्वर्शन में ही स्टैटिस्ट इस कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को खत्म कर देता है यानी एक्चुअली व्हाट डॉक्टर इज ट्राइंग टू डू डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन तो वो उसको यहां पर बंद कर दिया अब यहां बंद कर दिया तो क्या होगा ये सारे जो मैंने अभी सर्कल किया है ये सारी चीजें बंद हो गई अब ये जब बंद हो गई तो क्या हुआ इसका फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ नुकसान क्या हुआ कोलेस्ट्रॉल नहीं मिला कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बना लेकिन कोक्यूटेन भी नहीं मिला नाउ यू अंडरस्टैंड दिस इज वॉट द होल प्रोसेस इज कि कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में कोक्यूटेन इज अ बाय प्रोडक्ट जब स्टैटिंस देते हैं तो एच एम जी ए यानी सेकेंड स्टेज पे ही उसको रोका जाता है अब रोक दिया तो कोक्यूटेन जो सातवें आठवें स्टेप्स पे आपको एज ए बाय प्रोडक्ट मिलता है अब वो भी नहीं मिलता अब जब ये कोक्यूटेन ही बॉडी बनाना बंद बन कर दिया कोलेस्ट्रॉल तो कम कर दिया लेकिन कोक्यूटेन को तो पूरा ही पूरा बंद कर दिया तो नाउ फ्रॉम वेयर वुड यू गेट दिस को एंड फूड से तो कुछ कुछ आपको मिलते रहता है तो काम चलते रहता है लेकिन जितना चाहिए उतना सेल में आपके अभी है नहीं अभी नहीं है तो क्या होगा मसल वीकनेस आएगा मायलजिया जिसको बोलते हैं यानी मसल का टोन चले जाना अब मसल का टोन यानी मान लो कि जो हम इलास्टिक का बोलते हैं ना इलास्टिक का एक टोन होता है आप खींचते हो फिर छोड़ देते हो तो वो अपनी वापस उतनी ही साइज पे आ जाता है यानी उसको एक टोन है और ये इलास्टिक आप खींचो और वापस ही नहीं जाए तो क्या होगा उसको कहते हैं हम इसका टोन ही खत्म हो गया सिमिलरली अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दीज आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मसल और उसका टोन चले जाएगा तो क्या होगा मसल जैसे कि वैसे ही रहेगा तो उसको एक्शन ही नहीं होगा अब एक्शन नहीं होगा तो मान लो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट की मसल द्वारा अब उसका अगर टोन निकल जाए तो हार्ट काम करना बंद कर दे और हार्ट काम करना बंद दे तो जयराम सीधा 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 जाना है हमने तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट इज को एम क्यू टेन और कोक्यू एनर्जाइजर मस्ट बी गिवन ये एक इंडिकेशन आप नई ध्यान में रखिए मस्ट बी गिवन टू ऑल द पीपल हु आर ऑन कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन ड्रग्स जो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन ड्रग्स ले रहे हैं उनको कोक्यू एनर्जाइजर दिया दे हैव नो प्रॉब्लम वॉट्स ठीक है कोलेस्ट्रॉलिस्ट दस साल पहले की बात है जब मैंने वो पेपर uh, पढ़ा था कि जहां इटालियन डॉक्टर्स ने जैसे हमारे यहां आई एम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वैसे इटालियन की जो एसोसिएशन है उन्होंने लिखा था जो लेटर अभी होता तो मैं आपको डिस्प्ले कर देता कि वहां पे उन्होंने डब्ल्यू को लिखा था कि दिस प्रोडक्ट यानी को क्यू टेन मस्ट बी रिकमेंडेड एज एन एडजेंट टू एवरी पर्सन हु इज टेकिंग स्टैटिन तो डब्ल्यूएचओ उस पर ऊपर विचार कर रही थी तो ये इतना इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट कि जब आप स्टैटिन लेते हो दूसरा अभी एक चीज नहीं है ये आपको कुछ लोगों को शायद पता हो मेल इनफर्टिलिटी में काम करता है एनजेम को क्यू एनर्जाइजर अभी क्या है 2011 में ये डॉक्टर ने लिखा था चीफ एडिटर है वो जो नेचुरल रिव्यूज के यूरोलॉजी में उन्हें लिखा था कि सप्लीमेंटेशन विद को एम क्यू टेन इंप्रूव सीमेंट क्वालिटी पैरामीटर्स अभी वो सीमेन क्वालिटी पैरामीटर्स क्या थी इंप्रूव स्पर्म डेंसिटी स्पर्म मूवमेंट एंड नॉर्मल स्पर्म शेप एज वेल एज इंप्रूव्ड प्रेगनेंसी रेट ये बहुत बड़ा रिसर्च था बहुत बड़ी काफी लंबी क्लिनिकल ट्रायल थी उन्होंने देखा कि जब आप इस तरह से कोक्यू को, को सप्लीमेंट करते हो तो मेल इनफर्टिलिटी में उसका फायदा होता है अब मेल इनफर्टिलिटी बोले तो जिनको बच्चे नहीं हो रहे तो अभी हर एक आदमी को जाके आप ये रिकमेंड करोगे नहीं, don't, don't कि नहीं डोंट डोंट बी ए डॉक्टर यू मस्ट से कि जहाँ पे इनफर्टिलिटी अभी फर्टिलिटी कब होती है जब एक वीमेन के वुमन के जो एग है जो यूटेरस में आके बैठता है वहां, पे वो स्पर्म वहां करते हुए जाके, जब एग के साथ मिलता है तब उसमें प्रेगनेंसी तैयार हो जाती प्रेगनेंसी हो जाती है फिटस बनना शुरू हो जाता है फिटस बन गया तो ये जो कॉपुलेशन है बिटवीन द स्पर्म एंड द ओवन हैपन इन यूटेरस अभी ये स्पर्म को काफी सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके एक के पास जाना होता है इसके लिए वो स्पर्म को एक टेल होती है एक हेड होता है और एक टेल होती है तो वो मूवमेंट मूवमेंट करके वो इट गोज टू देयर इन द यूटेरस। अभी इसको मोबिलिटी ही नहीं रहे तो देर वोंट बी एनी एग विल नॉट बी इम्प्रेगनेटेड बाई द स्पर्म तो वहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं तो मेल इनफर्टिलिटी जिसका रीजन है लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म जो कि पैथोलॉजी में मालूम पड़ जाता है वहां पर कोटेन का आदमी ने सेवन करना चाहिए दिस इज व्हाट इज द इंडिकेशन मेल इनफर्टिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। हर एक वर्ड पर ध्यान में रखिए अभी अभी इन फर्टिलिटी केसेस इनफर्टिलिटी ऐसा होता है कि कभी एग ही नहीं होता है वूमन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट मच ऑफ हेल्दी एग एक्सेट्रा एसेट्रा तो हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे सिर्फ मेल इनफर्टिलिटी तक सीमित रखेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी जहां स्पर्म का मोबिलिटी नहीं है उसकी वजह से अगर फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम वहां पे कोक्यू एनर्जाइजर टू द मेल्स डेफिनेटली डेफिनेटलील्स लॉट ऑफ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड यूज कोक्यू फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिकेशन तो एक चीज नई शायद आपके लिए है ये ध्यान में रखिएगा तो सिर्फ एनर्जी एनर्जी बात नहीं करना है कोक्यू एनर्जाइजर इच्छ मच बीगर प्रोडक्ट देन व्हाट यू थिंक इट इज नॉट ओनली एन एनर्जाइजर सिर्फ एनर्जी नहीं देती है उसके अलावा वो स्ट्रेटिन के साथ में दिया तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है दूसरा मेले इनफर्टिलिटी में भी काम करता है और बाकी जैसे मैंने कहा मेटाबोलिक सिंड्रोम वगैरह चीजों में भी होता है दैट विल समराइज लेटर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी एडल्ट अभी हेल्दी एडल्ट में क्या होता है कि एज यू एज सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम एम क्यू टेन इन योर बॉडी डाउन जैसे हमारी एज होती है जैसे हम, आ, की तरफ जा रहे हैं, तो आपके कोक्यू टेंट की मैन्युफैक्चरिंग कम होगी आपके बॉडी मैन्युफैक्चरिंग तो कम होगी लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई है आपको उतनी ही एनर्जी चाहिए जितनी आपकी पहले, पहले थी तो उसके लिए आपको कोक्यू का सेवन करना होगा कोक्यू एनर्जाइजर डालना होगा बिकॉज द नीड इज द सेम

कि इम्यूनिटी इट इज नॉट ओनली अबाउट अवर कोलेस्ट्रोल और एनीथिंग इन इम्यून सिस्टम को भी रिवाइटलाइज करता है कोक्यू एनर्जाइजर एंड इम्यूनिटी बढ़ गई तो ऑब्वियटली इट विल हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट द ऑफ कोर्स इिस रिड्यूसेज द इफेक्ट ऑफ एजिंग नेचुरली अभी इसका एक मेजर उदाहरण है कि ब्यूटी फ्रॉम विद इन के तौर पर भी इसको कहा जाता है कि जब कोक्यू का कोई सेवन करेगा तो द स्किन इज ऑल्सो स्किन हेयर नेल्स इसकी भी ब्यूटी रखने में मदद करते हैं मैंने सुना था मुझे पक्का नहीं पता बट बहुत सारे फिल्म स्टार्स कोक्यू का बहुत हाई uh, अमाउंट uh, में सेवन करते हैं सम पीपल यूज़ इवन कोजाइम क्यूट एन इन दैट ऑयल फॉर्म इन देयर ब्यूटी क्लिनिक्स एज एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द अदर क्रीम्स ये भी सब चीज़ें हैं बिकॉज स्पेसिफिकली इट हैज़ गॉट एक्सलेंट रिजल्ट ऑन द स्किन हेयर एंड नेल्स प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंगन्स द हार्ट एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम वो सबसे बड़ा फायदा कि हार्ट को मजबूत रखे हार्ट का ही तो सब कुछ है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम दैर इज एथेलोसिस की भी हमने बात की ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमाइज रखने में मदद करता है विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट यानी अगेन मेटाबोलिक सिंड्रोम की बात कर रहा था मैं तो वो भी उसमें भी काम आता है और कंट्रोल इवन और ये एक सबसे नई बात कि गम डिसीज में इसका बहुत बड़ा फायदा होता है दिस इज लॉर्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स है बाई सो मेनी पीपल ऑन दिस की पेरीडोंटल डिसीज का मतलब होता है गम्स हमारे टीथ के जो गम्स हैं जो जिंजिटिस और पेरीडोंटल डिसीज उनको जो होते हैं कि खून निकलाना हेल्दी नहीं रहना उस चीज में अगर कोक्यू दिया जाए तो सम डेंटिस्ट ऑल्सो यूज क्वाइंस आई टेन फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीज पेरीडोंटल डिसीज सो दिस इज सम न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू अभी कोक्यू का तो गुणगान सब लोग गाते हैं कि सम साइंटिस्ट से कि गुड इविनेस है इंप्रूविंग सेल्युलर लेवल्स एक्सेट्रा एट्सेट्रा और ये एडिशनल हेल्थ बेनिफिट देता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो कहा सब साइंटिस्ट मिलके एक ही बात कहते हैं कि अगर को प्रॉपर बायो अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहा तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है एक्सटर्नली लिए जाए तो इसका मतलब है को एंजाइम क्यूट एंड एज अ मोलिक्यूल ये बहुत पुअर एबसॉर्ब होता है यानी आप हंड्रेड मिलीग्राम लो तो आपको बीस मिलीग्राम ही मिलेगा एंड दिस इज द केस विथ एवरी अदर फॉर्मुलेशन इन द मार्केट प्लेस ये ध्यान में रखिएगा प्रॉब्लम है एब्सॉर्प्शन की और बाद में बायोलेबिलिटी की उनकी प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम नहीं है दैट इज वाई एवरी एक्सपर्ट सेज की कोक्यू इज अ मिराक्यूलस मॉलिक्यूल वन न्यूट्रियट इसेंशियल बायो न्यूट्रियट लेकिन उसकी फॉर्मुलेशन जो टेक्निक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन ओनली द एब्सॉप्शन विल गो हाई देन ओनली द बायोलेबिलिटी विल गो हाई एंड तभी वो बॉडी को काम आएगा वरना उसका कोई काम नहीं है दैट इज वाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इसकी फॉर्मुलेशन एकदम सही हो मैन्युफैक्चरिंग उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग तभी अच्छी होगी हो जब उसको प्रॉपर फॉर्म में आप एक पेशेंट तक पहुंचाओगे या कोई पर्सन तक पहुंचाओगे तो हमने हमारी आर एंड डी ने प्रोड्यूस एन एब्सोल्युटली सुपीरियर फॉर्मुलेशन टू इंक्रीज द बायोलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड बायोलेबिलिटी करीब करीब 30 से 40 परसेंट तक उसकी बढ़ी हुई है व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद आवर बायोपेरिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट नो कि कोम क्यूटेन ये क्रिस्टलाइन पाउडर है एक ऑरेंज कलर्ड और एक येलोइश ऑरेंज कलर की एक पाउडर होती है एक क्रिस्टल में सैकड़ों मॉलिक्यूल होते हैं कोएंजाइम के। तो ये क्रिस्टल सिर्फ हमने अगर पाउडर खा ली तो उसके कोई फायदा नहीं है बिकॉज वो एबसॉर्ब ही नहीं होगा बिकॉज इट इज अ फैट सोल्यूबल थिंग तो उसको वाटर फेस से भी जाके एबसॉर्ब होना है तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू बट वी हैव बीन एबल टू मैन्युफैक्चर इट विद अ परफेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड उसको सोल्यूबलाइज़ किया है एक ऑयल में जिसकी वजह से बायोवेलेबिलिटी तो बढ़े अब्सॉप्शन तो बढ़ेगा ही और बायोपेरिन जब हम डालते हैं तो ऑब्वियसली बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो कोक्यू टेन जो मार्केट्स में अवेलेबल है उसका उसका तो हमारे प्रोडक्ट से तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है इट इज सच अ अपीरियर फॉर्मुलेशन विच बीन एबल टू डू और विटामिन ई एडेड एडवांटेज है जो दूसरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं देता है बाय अवेलेबिलिटी ऑफ को एम क्यूटे इवेल्यूएटेड बाय इन अवर ओन लेबोरेटरीज और जो देखा गया कि ट्वेंटी डेज ऑफ सप्लीमेंटेशन ट्वेंटी डेज जब दिया गया तो को एडमिनिस्ट्रेशन विदोपेन थर्टी इंक्रीज पाया गया विच इज शोन हियर इन दिस ग्राफ आई विल शो यू द ग्राफ दिस इज अवर ओन क्लिनिकल ट्रायल जो सीरम कोइंज एम क्यू टेन की सप्लीमेंटेशन हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिलीग्राम कोक्यू टेन और फाइव मिलीग्राम अब जब बायोपेरिन डाला था सो हाउ मच वी गॉट इट द रेड वन इज विदाउट बायोपेरिन द रेड ग्राफ जो लाइन दिख रही है ग्राफ में आपको अब ब्लू लाइन जो है इट इज अबाउट कोक्यू टेन विथ बायोपेरिन सो दिस इज वॉट होल थिंग इज ऑल अबाउट आर एन डी क्यों इंपॉर्टेंट है कॉपी पेस्ट वाले फॉर्मूले बहुत मार्केट में अवेलेबल है कोई भी प्रोडक्ट है उठा के ले आओ ही बना दो बट आर एन डी क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेशन टेक्निक इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और अबव ऑल यू मस्ट डू अ प्रॉपर रिसर्च टू गेट द राइट काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन सो कोक्यू एनर्जाइजर इज द ओनली प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस विथ विटामिन ई एडेड एडवांटेज एज वेल एज अ सुपीरियर फॉर्मुलेशन ल्यूलर बायो एनर्जाइजर तो है ही हमारा बट द मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्मुलेशन यू मस्ट रिमे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस हाउ वी कम टू दोग्राम आपको मैं फिर से बता दू नई नई चीजें आपने आज क्या देखी कोक्यू में सबसे पहले इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपने देखा कि इसमें स्ट्रेटिंग के साथ में देना बहुत जरूरी है दूसरा मेल इनफर्टिलिटी के में विच इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म उसमें आप दे सकते हो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में वो भी प्रिवेंशन के लिए कोक्यूटेन उसमें भी काम आएगा ब्लड प्रेशर ऑप्टिमाइज रखने में भी काम आएगा एंड ऑफकोर्स सेल्युलर एनर्जाइजर तो है ही जो आप सारे जानते हो तो मेरे ख्याल में आज कोक्यू एनर्जाइजर का आपने कुछ नया नया आ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और यू विल यूटिलाइज दिस फॉर द बेस्ट एडवांटेज फॉर यू दिस इज वॉट इट इज अगर आपको कुछ ये, आ, सवाल हैं इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो जरूर लिखिए एस डी लाइव डॉट कॉम आप फीडबैक तो हमेशा देते ही रहते हो कीप गिविंग इट प्रॉपरली अगर कोई टेस्टीमोनियल्स हो तो वो भी आप इस पे भेज सकते हो सो दैट हमारा एक प्लान है कि सारे टेस्टमोनियल्स और सारे प्रोडक्ट्स का इकट्ठा जब सारे तरफ से आ जाए तो उसका एक बुक बनाए बिकॉज टेस्टिमोनियल के अलावा टेस्टिमोनियल्स ही सबसे ज़्यादा बिकता है जब वो मालूम पड़े कि इसको भी ये फायदा हुआ तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि वी मस्ट डू दिस सो दिस इज दिस ऑल अबाउट ऑल अबाउट कोक यू एनर्जाइजर टूडे थैंक यू वेरी मच स्वस्थ रहो खुश रहो एंड एंजॉय योर डिसम्बर विथ फुल हेल्थ विगर एनर्जी एंड वाइटलिटी थैंक यू वेरी मच धन्यवाद